जगन्नाथ जी की ड्राइंग। चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी की ड्राइंग। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, पहले ऐसे गोल गोल कर रहा हूँ, आइज बना दिया है मैंने और मैंने अभी नोज बना दिया, टीका बना दिया मैंने। अब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ऊपर, ये देखिए मेरा डिज़ाइन हो गया। अब मैं सर्कल कर रहा हूँ बाहर, फोर सर्कल्स, इधर भी ऐसे ही सर्कल कर दीजिए आप। फिर अब मुकुट बना दिए जगन्नाथ जी का, ये देखिए मैंने मुकुट बना दिया है। फिर डिज़ाइन कर दीजिए मुकुट का, इस साइड भी ऐसे ही कर दीजिए। फिर सर्कल कीजिए टू, इधर भी एक कर दीजिए। इधर शंख बनाइए जगन्नाथ जी का, इधर चक्र बनाइए, फिर उनकी हार बना दीजिए, टू हार बना दीजिए, फिर ड्रेस बना दीजिए उनकी, मैं लाइन कर दीजिए। फिर इसमें डिज़ाइन कर दीजिए, डिज़ाइन मेरा हो गया है। फिर नीचे भी ऐसे डिज़ाइन कर दीजिए। फिर मुकुट में ऐसे लीफ जैसे बना दीजिए, फिर ऊपर सर्कल करके लाइनिंग कर दीजिए जो रोशनी होती है। फिर ऐसे सर्कल कर दीजिए उसमें ड्रेस के बाहर, देखिए मैंने कर दिया। अब उसके नीचे ऐसे उसके नीचे डिज़ाइन कर दीजिए, फिर से सर्कल कर दीजिए उसमें, यहाँ पे लाइनिंग कर दीजिए थ्री, वहाँ पे कलरिंग कर दीजिए ऑरेंज, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए ब्लू कलर दे दीजिए, यहाँ पे ऑरेंज कलर दे दीजिए, इस साइड भी ऑरेंज दे दीजिए, इस साइड रेड पॉइंट दे दीजिए, रेड कलर पॉइंट, इस साइड कैबेज कलर दे दीजिए, इधर भी दे दीजिए। इस पर जगन्नाथ जी की जो ओठ है उसको लाल कलर कर दीजिए, फिर शंख को ऑरेंज और चक्र को भी ऑरेंज कर दीजिए जो मैंने कर दिया है अभी। फिर येलो कलर से ड्रेस को कर दीजिए, फिर मैंने कर दिया। फिर डिज़ाइन में पॉइंट दे दीजिए थ्री, इधर भी दे दीजिए। देखिए जगन्नाथ जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। फिर नीचे ऐसे सर्कल कर दीजिए, फिर वहाँ पे कलर कर दीजिए ऑरेंज। फिर उसके बाद उसमें डिज़ाइन कर दीजिए, चक्र में जो सर्कल किया था हमने उनमें डिज़ाइन कर दीजिए, शंख में भी जो सर्कल किया था हमने उनमें डिज़ाइन कर दीजिए। फिर जो मुकुट था उसमें हम ऐसे निकाल देंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे गोल गोल डिज़ाइन किया है, ये देखिए। और टीका लाल कलर से भर दीजिए अंदर, देखिए हमारे जगन्नाथ जी कितने सुंदर दिख रहे हैं अब। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें। ये देखिए ऐसे कैबेज कलर कर दीजिए रोशनी में,
नीचे ऐसे सर्कल कर दीजिए रेड कलर।